हाँ, ये अली मस्कती जी, इनके परिवार हैदराबाद शहर के बहुत जाने माने लोग हैं। सलाहुद्दीन ओवैसी के साथ में इनका वाली साहब ने काम किया, एमएलसी किए, एमएलए किए, उनके बराबर के नेता है। इतने दिन वो लोग बिजनेस में थे। कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने उनके परिवार से गुजारिश किए, इस बार देश कतरा में है, बीजेपी और बीआरएस मिलके देश को लूटने के लिए, देश को तोड़ने के लिए काम कर रहा है। ये दोनों को एमआईएम ने साथ लेकर चला रहे, इसीलिए ये बीजेपी बी टीम बीआरएस और एमआईएम को हराने के लिए अली मस्कती जी परिवार को हम ये गुजारिश किए, आने वाले चुनाव में चारमीनार असेंबली से ये लड़े, हमारे माइनॉरिटियों को और खासकर तेलंगाना सबको एक अच्छा नेता को देने के लिए आज कांग्रेस पार्टी ने तय किया। हमारे रिक्वेस्ट को उनके परिवार में बात कर लेके आने वाले चुनाव में हैदराबाद पार्लियामेंट का वो इंचार्ज बनेंगे। हैदराबाद पार्लियामेंट में असदुद्दीन ओवैसी को हमारे अली मस्कती साहब मुकाबला करेंगे। आने वाले चुनाव में कांग्रेस को जिताने के लिए उनका मेहनत सब सारे वो काम करने वाले हैं पार्टी के साथ। सर, आज भी पंजाब से करीब 7-8 लोग ज्वाइन किए थे, ऐसे बीआरएस के कई लोग भी आके कांग्रेस में ज्वाइन किए थे, तमाम इंडिया में ऐसा ट्रेनिंग हो रहा है, कैसे देखते हैं आपको? 24 से पहले काफी लोग बाकी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस में वापस आ रहे। कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल जी ने 150 दिन 4000 किलोमीटर पादयात्रा करने के बाद पहले कदम उठाए, हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाए, दूसरे कदम उठाए, कर्नाटक में सरकार बनाए, तीसरे कदम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में सरकार बनाने वाले हैं। ये 2023 में होने वाले हैं, 2024 में इंडिया कूटमी देश में सरकार बनाने वाले, इसीलिए सब लोग कांग्रेस को ज्वाइन हो रहे, देश को मजबूत करने के लिए, देश को जो कतरा फैलाने के लिए भाषा के नाम पर, मज़हब के नाम पर अलग अलग तरीका के बीजेपी और बीआरएस उनके साथी लोग जो कोशिश कर रहे, वो कोशिश को रोकने के लिए सब लोग हमारे साथ आ रहे। देश में हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी और बीआरएस को हरा देंगे। धन्यवाद।